देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। चुनाव के नतीजे 23 मई को आ जाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में मतदान खत्म होने के बाद रविवार की शाम लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल भी आ गया। एग्जिट पोल के नतीजों पर नजर डाले तो केंद्र में एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है। वहीं पिछले 24 घंटों के गूगल सर्च के आंकड़ों पर नजर डाले तो नरेंद्र मोदी शब्द को राहुल गांधी के मुकाबले 6 गुना ज्यादा सर्च किया जा रहा है। गूगल सर्च में नरेंद्र मोदी को 87% और राहुल गांधी को 13% सर्च किया जा रहा है, लेकिन इस सर्च रिजल्ट में एक चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आया है। दरअसल नरेंद्र मोदी को इस दौरान सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सर्च किया गया है। गूगल सर्च रिजल्ट के मुताबिक 19 मई 2019 की शाम 4:26 से लेकर 20 मई की दोपहर 11:22 तक नरेंद्र मोदी कीवर्ड को सबसे ज्यादा सर्च किया गया। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी कीवर्ड को सबसे ज्यादा पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अमेरिका और कनाडा में सर्च किया गया। 20 मई को 11:22 तक सर्च रिजल्ट में नरेंद्र मोदी सर्च का पॉइंट 90 और राहुल गांधी का 13 रहा। अब क्षेत्र के हिसाब से गूगल सर्च पर नजर डाले तो नरेंद्र मोदी कीवर्ड को सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सर्च किया गया, वहीं राहुल गांधी को पाकिस्तान में सर्च का प्रतिशत 12% रहा। वहीं भारत में 87% लोगों ने नरेंद्र मोदी को और 13% लोगों ने राहुल गांधी को सर्च किया। बांग्लादेश की बात करें तो नरेंद्र मोदी का सर्च प्रतिशत 83% और राहुल गांधी का 17% रहा। इसके अलावा अमेरिका में नरेंद्र मोदी का सर्च प्रतिशत 82 और राहुल गांधी का 18 रहा। वहीं कनाडा की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी को 79% और राहुल गांधी को 21% सर्च किया गया। देश में चुनावी सरगर्मियों के बीच एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उससे इतना तो साफ है कि आने वाली सरकार भी एनडीए की हो सकती है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि असली नतीजे 23 मई को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।